पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज हम इस साल 2022 का आखिरी दिन तक पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमने अभी अभी कुछ दिन पहले क्रिसमस मनाए हैं, क्रिस्ट जयंती बहुत धूमधाम से मनाए होंगे और हमारे लिए अभी यीशु हमारे साथ है। यीशु जो ईश्वर का पुत्र है, जो इस दुनिया में आकर हमारे साथ रहता है, हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है, तो यीशु के साथ हम जीवन बिताएंगे। इस बात को याद कराने के लिए हम हर साल क्रिस्ट जयंती मनाते हैं। इमानुएल, गॉड विद अस, ईश्वर हमारे साथ। और अभी हम इस साल खत्म करने वाले हैं, उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। कितने वरदान हमें मिला है इन दिनों, एक साल के अंदर अंदर हम अभी इस तक जीवित है, हमारा जीवन प्रभु ने सुरक्षित रखा है और हम में से कुछ लोग हमारे परिवारों से गुजर गए हैं, उनके लिए भी हमें धन्यवाद देना है और हम जो जीवित है हमारे लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना है। जो गुजर गए उनका अच्छा जीवन को सोचते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें। और इसी प्रकार जो भी घटनाएं घटी है हमारे जीवन में, उन सब बातों को याद करें जहां प्रभु ने हमें बचाया है, सुरक्षित रखा है, हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें आगे बढ़ाया है, हमें सफलता दी है हमारे कामकाज में, इन सब बातों के लिए धन्यवाद देना। अक्सर हम इंसान का एक विशेषता यह है, हम तो जब हम दिन दुखी होते हैं, कुछ ज़रूरत में पड़ जाते हैं, तो बहुत जोर से प्रार्थना करते हैं, बहुत ही इच्छा से, आग्रह से, श्रद्धा से हम प्रार्थना करते हैं। और जब हमें कुछ मिल जाता है, तुरंत हम ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, क्रिसमस के दिनों में हमने पाठ जो सुने हैं बाइबल का, वहाँ पर तीन विशेष भजन हमें मिलता है। पहला भजन है मरियम का भजन, ये तो हमें मिलता है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:46 और आगे। मरियम का भजन द मैग्निफिकात जो शुरू होता है इस प्रकार, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। इसी प्रकार आगे बढ़ती है, माँ मरियम ईश्वर की स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए, ईश्वर में आनंद मनाते हुए, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु आ गए हैं। और दूसरा भजन है जकरियास का भजन, तो ये भी हमें अध्याय 1 में हम पाते हैं, अध्याय 1:68 से लेकर जकरियास का भजन शुरू होता है। धन्य है प्रभु इसराइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है, उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। इसी प्रकार ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए जकरियास भी बोलते हैं। और एक तीसरा भजन है जो शिमियोन के मुख से हमें मिलता है, यह है अध्याय 2 संत लूकस के सुसमाचार 1:29 से शुरू होता है। तो शिमियोन क्या कहता है सुनिएगा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इसराइल का गौरव। तो ये तीनों भजन धन्यवाद का, स्तुति आराधना का भजन है। और जो पुरोहित है और थर्मसंगी में है, थर्मसंगी है जैसे सिस्टर लोग, ब्रदर लोग वगैरह, उनके ब्रीवरी एक किताब रहता है ब्रीवरी, जिससे वे प्रार्थना करते हैं सुबह शाम दोपहर को वगैरह, उस प्रार्थना में रोज रोज ये तीनों भजन आते हैं। पहले मॉर्निंग प्रेयर में सक्रियास का भजन है और शाम का प्रार्थना जो इवनिंग प्रेयर में मरियम का भजन है, और नाइट प्रेयर में सो जाने के पहले जो प्रार्थना है
उसमें सिमियोन का भजन है। मतलब कलीसिया इतना महत्व देता है ईश्वर को धन्यवाद देने की बात, ईश्वर की स्तुति करने की बात, क्या हम ऐसा करते हैं हमारे जीवन में? तो नहीं तो नए साल में हम शुरू करेंगे हमारे जीवन के हर बात के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए, बीमारी के लिए और स्वास्थ्य के लिए, सब के लिए धन्यवाद देते रहे, क्योंकि हर चीज़ में ईश्वर का विशेष योजना है। और हम क्या करेंगे 2023 के लिए? उसके लिए हमें प्लानिंग करना है। कोई भी बिजनेस में या कोई भी कार्य में अगर हमें उन्नति प्राप्त करना है तो थोड़ा बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो कैसे हम प्लान करेंगे हमारे इस जीवन में, उसके लिए आज का सुसमाचार हमें सहायता देता है। तो आइए हम संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1:1-18 तक जो हमने हम पवित्र मिसा में सुनते हैं उसको बार बार पढ़े। और ये इतना गहरा है, आध्यात्मिक है, इसके अंदर जो शिक्षा प्रभु हमें देता है महत्वपूर्ण है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं हमें मालूम हो जाता है, पहली बात यीशु के बारे में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के पास था, शब्द ईश्वर था। इसी प्रकार संत योहन प्रभु यीशु को इंट्रोड्यूस करता है, फिर योहन बापतिस्ता को इंट्रोड्यूस करता है। और अध्याय 1:11 से लेकर संत योहन एक विशेष बात बताता है। क्या बताता है? इसी प्रकार संत योहन बताता है, वह अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। कितनी दुख की बात है, यहूदी लोग, अधिकांश यहूदी लोग यीशु को नहीं अपनाए, तिरस्कार किए, उन्हें क्रूस में डाले। तो कहता है वह अपने यहां आया और उसे अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। तो जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु को स्वागत करते हैं, यीशु की शिक्षा के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें प्रभु यीशु अनुग्रह देता है, ईश्वर का संतान बनने का अनुग्रह। हम सब जो यीशु में विश्वास करते हैं, सचमुच हम ईश्वर का संतान है। मतलब हमारे एक बड़ा बृहद फैमिली है, हमारा कुटुंब है, जहाँ पर आबा पिता है, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है, माँ मरियम है, संत योसेफ है, सब संत और स्वर्गदूत है, और इस दुनिया के सब लोग हैं, सारे सृष्टि इस परिवार के अंग बन जाते हैं। और इस परिवार में, बृहद परिवार में एक सजीव अंग बनकर हमें जीवन बिताना है। कैसे? जैसे प्रभु यीशु हमें सिखाता है, सबको क्षमा देना, सबको अपनाना, सबको प्यार देना, सबको मदद देना, सबको हमेशा प्रोत्साहन देना। इसी प्रकार मुस्कुराते हुए जो भी हमारे साथ हमारे पास है, दूसरों से बांटते हुए एक अच्छा जीवन जीना। हमारा जीवन दूसरों के लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना है। देखिए गए साल और हमारे अभी तक का जिंदगी में क्या हम सचमुच लोगों के सामने उनको मदद दिए हैं, उनके साथ रहते रहे हैं, उनके सुख दुख में भागी लिए हो गए हैं? कैसे जिए हम? क्या हम परोपकारी जीवन जिए या स्वार्थी जीवन जिए? अभी हमें प्रभु ने एक और साल प्रदान करने वाला है, और कौन सी साल है? 2023। इस साल सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए अगर हम यीशु के संग संग चले, माँ मरियम के संग संग चले, संतों की संगति में चले, और अब्बा पिता प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में जो है उनकी उपस्थिति महसूस करते हुए, उनको प्यार करते हुए, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, सब इंसान को प्यार करते हुए आइए जीने का दृढ़ संकल्प कीजिए। उसके लिए हम तैयार करें, और विशेष करके हमारा प्रार्थना का जीवन, पवित्र मिसा और संस्कारों का उपयोग, विशेष करके जो पाप स्वीकार संस्कार है, और पवित्र वचन का अध्ययन और परोपकारी काम, इन बातों के बारे में आइए हम निर्णय ले, दृढ़ संकल्प ले, और प्रभु हमारे लिए एक बढ़िया अच्छा साल प्रदान करेगा।
आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. गॉड ब्लेस यू.